तो जो 4.6 है उसका टॉपिक क्या है, जरा टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो ऑर्डर आप लोग देख लोगे कि चल क्या रहा था। सबसे पहले आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, फिर अरिथमेटिक मीन थी, फिर आपने अरिथमेटिक सीरीज के बारे में पढ़ा था। यही पैटर्न आपको ज्योमेट्रिक के अंदर भी नजर आएगा। 4.5 में आपने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी, 4.6 में आप ज्योमेट्रिक मीन पढ़ोगे और 4.7 में आप ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ोगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर स्टार्ट होगा हार्मोनिक का टॉपिक। तो हार्मोनिक पढ़ोगे आप ये समझ लो एक्सरसाइज 4.8 में, फिर हार्मोनिक मीन पढ़ोगे 4.9 में, और सीरीज का टॉपिक नहीं होता, दैट्स व्हाई 4.9 तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस टाइप की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने की है चैप्टर की। तो टॉपिक आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन समझा हुआ है तो ज्योमेट्रिक मीन समझने में कोई मसला होगा नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अरिथमेटिक मीन जो है ये एवरेज होता था, एवरेज बचपन से आप लोग निकालते हुए आ रहे हो कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 10 वैल्यूज दे दी जाए, या कंसिडर कर लो कि जैसे मैच होते हैं, मैच में आपको पता है हर एक क्रिकेटर की एवरेज होती है, एवरेज का और भी उनके काफी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सिंपल एवरेज का फॉर्मूला ये आप कर लो। बाकी चीजें भी होती हैं कि अगर नॉट आउट प्लेयर गया है उन्होंने लगाया होता है, लेकिन हम सिंपल केस कंसिडर करते हैं कि एक प्लेयर ने 10 मैच खेले हैं, 10 मैच में उसने 10 दफा आउट हुआ है, किसी दफा उसने 20 बनाए, किसी दफा 40 बनाए, किसी दफा सेंचुरी किया उसने। तो सिंपल एवरेज स्कोर क्या होगा उसका, एवरेज क्या होगा, 10 के 10 जो भी उसने स्कोर लिए हैं उनको आप ऐड करोगे और डिवाइड पर 10 कर दोगे, आपके पास एवरेज स्कोर आ जाएगा। तो ये अरिथमेटिक मीन या एवरेज आप बोला करते थे। इसी तरह ज्योमेट्रिक एवरेज भी होता है, एक तो अरिथमेटिक एवरेज होता है ना, एक ज्योमेट्रिक एवरेज भी होता है जो इतना यूज होता नहीं है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में काफी यूज होता है, जिसको आप ज्योमेट्रिक मीन कहते हो या ज्योमेट्रिक एवरेज भी बोल सकते हो। ये क्या होता है, दो वैल्यूज को तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ज्यादा वैल्यूज की बात करते हैं, ज्यादा वैल्यूज का बच्चों को नहीं पता होता, दो वैल्यूज का आपको समझ आ जाएगा कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। लेकिन लेट से आपके पास 10 वैल्यूज है, या फॉर एग्जाम्पल 5 वैल्यूज है, मैं कहता हूँ आपके पास 5 है, आपके पास 10 है, 11 है, फॉर एग्जाम्पल 17 है और 20 है, ये 5 स्कोर आपके सामने लिखे हैं। मैं कंसिडर कर लो 20 मार्क्स का टेस्ट था, 5 बच्चों के स्कोर है। अगर आपको बोला जाए कि यार इसका ज्योमेट्रिक एवरेज निकालो या ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अरिथमेटिक आप किस तरह निकालते हैं, इनको आप इसमें ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 5। लेकिन ज्योमेट्रिक एवरेज क्या होता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि देखो अरिथमेटिक के साथ प्लस इन्वॉल्व था, आप सीक्वेंस कैसे लाते थे, प्लस करके लाया करते थे, और ज्योमेट्रिक के साथ मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है कि आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आती है। वही चीज आपको मीन के अंदर भी नजर आएगी कि अरिथमेटिक के मीन में आप ऐड किया करते थे, ज्योमेट्रिक के मीन में आप मल्टीप्लाई किया करते, कि अगर आपने इन 5 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप इन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल 5 नंबर्स है तो आप इन 5ों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे आप वहां पे डिवाइड बाय 5 करते थे ना अरिथमेटिक मीन के अंदर, यहाँ पे आप क्या करोगे, इनका आप 5th रूट लोगे। 5th रूट का मतलब पावर 1/5 लोग। तो जो भी इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ रहा होगा आप इसकी पावर बना दोगे 1/5। बिलफर्ज अगर यहाँ पे 10 स्कोर होते तो आप 10 के 10 को मल्टीप्लाई करते और उसकी पावर ले लेते 1/10, जो आंसर होता वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन कहलाती। ये कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन का, अगर ज्यादा नंबर्स मौजूद है। हमारा जो टॉपिक है ना उसमें इसका लेना देना नहीं है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ी सी बात आपको समझ आ जाए फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। तो जैसे अरिथमेटिक मीन के अंदर आपने देखा था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी है, बस तरीका अलग है, वहां पे ऐड करके डिवाइड करते थे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके उसकी पावर ले रहे होते हैं और आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपको बोलूं 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ 5 और 10 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो वही कॉन्सेप्ट होगा, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे और पावर में लिख दोगे 1/2। 2 नंबर्स है ना तो पावर में लिख दोगे 1/2, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 1/2 को आप कैसे लिखते हो, स्क्वायर रूट, एक ही बात है, 1/2 लिखो या स्क्वायर रूट लिखो। तो यहां से आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका देख लिया, अगर 2 नंबर्स के आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, उनका स्क्वायर रूट लो, जो रिजल्ट में आएगा उसको आप बोलोगे ज्योमेट्रिक मीन। ये कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सीक्वेंस के हिसाब से समझ लेते हैं, कि वही जैसे आपने अरिथमेटिक में देखा था कि अगर 3 नंबर्स एपी के अंदर होते थे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, मतलब जीपी के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ए जी बी, ये 3 नंबर्स हैं जीपी के अंदर। मैंने नोटेशन इसलिए यूज किया कि बुक वालों ने भी ये नोटेशन यूज की है कि आउटसाइड वाले 2 नंबर्स को ए बी बोला हुआ है, दरमियान वाले को कैपिटल जी बोला हुआ है, क्योंकि दरमियान वाला नंबर मीन होगा ना। तो
तो अगर तीन नंबर जीपी के अंदर मौजूद है तो फिर जो दरमियान वाला नंबर है ना वो कहलाया जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास तीन नंबर आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर ऐड करो, पहला नंबर टू, दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एट। अगर मुझे इसको जीपी बनाना है तो क्वेश्चन बता सकते हैं इसकी तीसरी टर्म क्या होगी? स्टूडेंट ही बेचारे तीन है, 32, क्योंकि ज्योमेट्रिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई अपने सेम नंबर से करना है। टू को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? फोर से मल्टीप्लाई किया तो एट आया, तो एट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? फोर से, तो 32 आएगा। यहाँ पे इसको अरिथमेटिक नहीं बनाना जो 14 आप कह रहे हो, अरिथमेटिक के अंदर होता है आप एक नंबर को एड कर रहे होते, ज्योमेट्रिक बनाना है मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो अगर आप देखो तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, सब इस बात से एग्री करेंगे, तो अगर तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो दरमियान वाला नंबर क्या कहलाया जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन कहलाया जाएगा, ठीक है। और आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख लो, कैसे अप्लाई करोगे? दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 × 32 और इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8 के बराबर। तो अगर तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है तो दरमियान वाला नंबर क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा, जैसे आपने अरिथमेटिक के अंदर पढ़ा। अब सवाल है कि मुझे फॉर्मूला पता कहां से चला, ये वाला फॉर्मूला कहां से आ रहा है? तो जरा उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तीन नंबर ज्योमेट्रिक के अंदर है ना, आप यहीं से फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो। जब तीन नंबर ज्योमेट्रिक के अंदर होते हैं तो आपने पढ़ा था रेशो सेम रहता है, ज्योमेट्रिक की खासियत क्या थी कि रेशो सेम रहता है उसके अंदर। तो अगर आप इन दो टर्म्स का रेशो निकालो, क्या रेशो होगा? जी अपॉन ए। इसी तरह आप इन दो टर्म्स का रेशो निकालो, ये हो जाएगा बी अपॉन जी, क्योंकि ज्योमेट्रिक है तो रेशो आपस में बराबर होगा, ठीक है। जी को जी से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ए बी। यहां से आप जी की वैल्यू निकालो, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट ए बी के बराबर हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी, ठीक है। तो तरीका भी बता दिया ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं, फॉर्मूला भी प्रूफ करके बता दिया कहां से आया। अब एक आखिरी चीज है, आप लोगों के जहन में आ सकता है कि सर ने प्लस माइनस साइन क्यों नहीं लगाया, तो डेफिनेटली प्लस माइनस साइन लगेगा यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास अरिथमेटिक मीन होती थी ना, अरिथमेटिक मीन हमेशा एक ही आया करती थी, अगर आप दो नंबर्स की अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो तो हमेशा एक ही हुआ करती थी। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के साथ एक कॉन्सेप्ट नहीं था, अगर आप दो नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो तो वो दो ज्योमेट्रिक मीन आएंगी, कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। क्या मतलब इसका? ज्योमेट्रिक मीन का जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला रूट ए बी वाला, ये आधा फॉर्मूला है। कंप्लीट फॉर्मूला कब होगा? जब मैं यहां पे प्लस माइनस लगाऊंगा, मतलब हमेशा दो ज्योमेट्रिक मीन आती है। क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखो, आपको 32 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, कंसीडर कर लो आपको 8 नहीं पता, आपको सिंपल बोला गया कि भाई ज्योमेट्रिक मीन निकालो 2 और 32 की, जो 2 और 32 की ज्योमेट्रिक मीन होगी जब आप उसको दरमियान में इंसर्ट करोगे तो जीपी बननी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो आप 32 और 2 की ज्योमेट्रिक मीन निकालो, फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस रूट ए, तो प्लस माइनस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा प्लस माइनस 64 और आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो हमेशा आपके पास दो ज्योमेट्रिक मीन आती है, हमेशा आपके पास दो ज्योमेट्रिक मीन आएंगे, लेकिन दोनों ज्योमेट्रिक मीन बैक वक्त इंसर्ट नहीं कर देना, मतलब आप ये नहीं करना कि 2 8 - 8 32, ना ना ना, ये जीपी नहीं बनेगी इस तरीके से। जो तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आई ना, इनको एक साथ आप लिख नहीं सकते, हाँ इनको आप अलग अलग लिख सकते हो, दोनों जीपी आपके पास बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप पहली दफा 8 लिख दो यहाँ पे, तो ये भी अगर आप ऑब्जर्व करो जीपी बन रही है, या आप दूसरी ज्योमेट्रिक मीन पुट करो -8, अगर आप ऑब्जर्व करो ये भी आपकी जीपी बन रही है। इस जीपी का कॉमन रेशो -4 है, आप 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -8 आ रहा है, -8 को -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 32 आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो जीपी बन रही है, ठीक है। तो आप ये बात बोल सकते हो 2 और 32 के दो ज्योमेट्रिक मीन है, एक तो 8 है और एक जो है वो -8 है, लेकिन याद रखना बैक वक्त दोनों को इंसर्ट नहीं कर देना, ये वो वाली दो ज्योमेट्रिक मीन नहीं है जो आप इंसर्ट कर सकते हो, वो अलग सवाल आएंगे कि इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन, नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कि या तो आप एक ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव वाली पुट कर दो, या और की बात कर रहा हूं मैं, एक साथ नहीं, या तो आप पॉजिटिव पुट कर दो या आप नेगेटिव पुट कर दो, एक साथ पुट करोगे तो जीपी तो बनेगी नहीं ना, तो कॉन्सेप्ट ही सारा खराब हो जाएगा। तो अलग अलग इस तरीके से आप पुट कर सकते हो, तो हमेशा आपके पास दो ज्योमेट्रिक मीन आ रही है। बाकी इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस करेंगे तो मजीद बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये पहला टॉपिक है इसका।
जैसे आपने अरिथमेटिक में पढ़ा था तीन नंबर जीपी के अंदर हो तो कॉन्सेप्ट दिया था कि दरमियान वाला नंबर ज्योमेट्रिक मीन होगा, वो आपने देख लिया कि तीन नंबर जीपी के अंदर है दरमियान वाला नंबर ज्योमेट्रिक मीन, तीन नंबर जीपी के अंदर है दरमियान वाला ज्योमेट्रिक मीन। अब मेजोरिटी केसेस पे ना जब बात की जाती है तो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात की जाती है मेजोरिटी केसेस में। अगर आपको सवाल में बोला जाए ना किसी ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और बताया ना जाए कि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या नेगेटिव की, तो आपने ज्योमेट्रिक का पॉजिटिव मतलब ही लेना होगा वहां पे। मेजोरिटी केसेस में पॉजिटिव की बात की जाती है लेकिन आंसर निकालते हुए आप नेगेटिव भी कभी निकाल रहे होते हैं, तो जब सवाल सॉल्व करोगे तो मजीद आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो आप दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बिल्कुल, अगर आपको बोला जाए कि तीन से ज्यादा नंबर जीपी के अंदर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि ए, अब मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन कॉमा बी आर एन जी पी, अगर आपको बोला जाए कि यार ज्यादा नंबर्स जो है वो जीपी के अंदर मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तीन नंबर जीपी के अंदर थे ना तो दरमियान वाला ज्योमेट्रिक मीन था, फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादा नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, 20 नंबर्स हैं जीपी के अंदर मौजूद है, तो अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, वही कॉन्सेप्ट जो आपने अरिथमेटिक मीन के अंदर पढ़ा था, पहले और आखिरी को छोड़ के दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं वो सब ज्योमेट्रिक मीन कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने जनरल फॉर्म में भी लिखा, ए और बी को छोड़ के दरमियान के जितने नंबर्स भी हैं वो ज्योमेट्रिक मीन होंगे, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, मैं एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता दूं, इसी को एक्सटेंड करते हैं 2, 8, 32, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 512 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2024 आएगा। ये एक जीपी मौजूद है, ठीक है, अगर आपको देखा जाए 6 नंबर्स हैं, जब 6 नंबर्स जीपी के अंदर मौजूद होंगे तो पहला और आखिरी को छोड़ के दरमियान के जितने भी नंबर्स होंगे वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाए जाएंगे। जरा हम चेक भी कर लेते हैं, 2 और 2024 को छोड़ के दरमियान के जितने 4 नंबर्स हैं ये सब ज्योमेट्रिक मीन है। हम जरा वेरीफाई करते हैं, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 2 और ये वाले नंबर के दरमियान ये चारों जो है, भाई बुक ने तो हमें बोल दिया कि दरमियान वाले नंबर ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन हम वेरीफाई करके भी देख लेते हैं क्या उन्होंने सही बोला है नहीं बोला। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन है नहीं, कैसे पता चलेगा, आप बैक वक्त 3-3 पिक करो, आप सबसे पहले इन 3 को पिक करोगे आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि 2 और 32 का ज्योमेट्रिक मीन 8 है, तो ये कंफर्म हो जाएगा 8 जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। फिर आप 8, 32 और 128 को पिक करोगे, आप 8 और 128 को मल्टीप्लाई करना और उसका स्क्वायर रूट लेना, देखना 32 आ रहा होगा, ये पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है सारी। इसी तरीके से आप 32, 128 और 512 को लेना, आप 32 को 512 से मल्टीप्लाई करना और स्क्वायर रूट लेना, देखना 128 आ रहा होगा, इसका मतलब 128 पे ज्योमेट्रिक मीन है। सेम काम आप 3 के साथ भी करना, आप ऑब्जर्व करोगे 512 पे ज्योमेट्रिक, पहला और आखिरी हो नहीं सकता क्योंकि 3 नंबर्स होंगे एक साथ, उनका दरमियान वाला ज्योमेट्रिक मीन होता है ना, तो यहां से आप नतीजे पहुंचोगे पहला और आखिरी छोड़ के सारे नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो अगर कुछ नंबर जीपी के अंदर मौजूद हो तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पहला और आखिरी को छोड़ के सारे नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कहलाए जाएंगे। अच्छा, अब कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन भी आप पुट कर सकते हो, 2 होती है ना पॉजिटिव नेगेटिव, कि जब ज्यादा नंबर्स लिखे हुए ना, फॉर एग्जांपल पहला और आखिरी के दरमियान आपने 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है या 6 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है, तो पॉजिटिव वाली भी आप इंसर्ट कर सकते हो, नेगेटिव भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन हर सवाल में कंप्लीट नहीं होता, कोई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें नेगेटिव आप वो बनता ही नहीं, इंसर्ट कर नहीं सकते, वहां पर सेंस ही नहीं बनेगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छा जी 2 और 16 के दरमियान जब आपको 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी होंगी ना तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव आ ही नहीं सकती वहां पे। जब आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन, इवन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो ना तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, 2 इंसर्ट करनी है, 4 इंसर्ट करनी है, 6 इंसर्ट करनी है तो वो पॉजिटिव ही होती है। हाँ, अगर 3 इंसर्ट करोगे या 5 इंसर्ट करोगे तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसके साथ में एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि 4 नंबर है ना, अब आप 5 नंबर कंसिडर करते हैं 2, 4, 8, 16, 32। इस वाले केस में अगर आपके पास सवाल आए कि 2 और 16 के दरमियान 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो तो वो तो 4 और 8 ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होंगी, ये पॉजिटिव ही होंगी, इसके अलावा कुछ और होगी तो वो जीपी नहीं बन रही होगी, ठीक है। लेकिन 2 और 32 के दरमियान अगर आप 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो तो आप पॉजिटिव वाली भी आप कर सकते हो और वहां पर नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। कैसे, एक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है और एक ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये भी जीपी है ये भी जीपी है, फर्क क्या है इसमें, इसका कॉमन रेशो 2 है, अब हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इसका कॉमन रेशो -2 है, अब हर नंबर को -2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं,
तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे 2 और 8 की जो पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 है, इसी तरह 4 और 16 की 8, 8 और 32 की 16, तो पॉजिटिव वाली भी आपने इंसर्ट कर दी। और आप 2 और 32 के दरमियान नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि अब देखो 2 और 8 की अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, अगर कोई कहे कि सर 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आएगा 16 जो कि बराबर होगा 4 के, लेकिन दरमियान में 4 तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव वाली ज्योमेट्रिक मीन आपने इंसर्ट की, क्योंकि ये तो कभी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो जब दरमियान में -4 आ रहा है इसका मतलब आपने नेगेटिव वाली ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट की, तो पॉजिटिव वाली भी इंसर्ट की है नेगेटिव भी की है। इसी तरह -4 और -16 को आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो 64 आएगा, 64 का जब आप रूट लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव वाली ज्योमेट्रिक मीन है, मैंने बताया कि मिक्स होगा, ऐसा नहीं होगा कि मुस्तकिल आपने नेगेटिव इंसर्ट की हुई सेंस नहीं बनेगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव कहीं ज्योमेट्रिक में इंसर्ट हुई भी होगी, उसकी वजह यह है कि आपको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनानी होगी पूरी, अपनी तरफ से आप कुछ नहीं लेट कर सकते कि मैं सब पॉजिटिव कर देता हूँ सब नेगेटिव कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट सारा खराब हो जाएगा। तो अब इन दो के दरमियान पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है, फिर 8 और 32 के दरमियान जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो ये नेगेटिव वाली है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझाया, जब इसके सवाल आते हैं सवाल बड़े इजी होते हैं, इसके फॉर्मुले हैं, आपको 2 इंसर्ट करनी है 3 इंसर्ट करनी है, जो भी करना है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है कि मेजोरिटी दफा आप पॉजिटिव इंसर्ट करते हो, जैसे इसमें नेगेटिव का तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, वो ज्योमेट्रिक की नहीं बन रही होगी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो अगर चेक करोगे आप खुद वेरीफाई कर रहे होगे कहीं पॉजिटिव का सेंस बन रहा होगा कहीं नेगेटिव का सेंस बन रहा होगा। ये बात मेरे लिए बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि बच्चे बाद में मुझसे पूछते हैं जब इस टाइप की सीक्वेंस आती है ना, तो उसमें पूछते हैं कि सर 2 और 8 का जब मैं ज्योमेट्रिक में निकाल रहा हूं मेरा 4 आ रहा है जबकि यहाँ पे -4 लिखा हुआ है, तो तभी से मैंने जवाब दे दिया कि भाई पॉजिटिव भी लिखा हो सकता है नेगेटिव भी लिखा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सीक्वेंस बनी भी कैसे है, उसकी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो सकते हैं। सही, बस ये टॉपिक है। अच्छा, इसका निकालने का तो फॉर्मुला आपने पढ़ लिया था ना, अगर आपको ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है उसके फॉर्मुला क्या है जरा देख लो, उसका फॉर्मुला होता है बस कॉमन रेशियो का फॉर्मुला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मुला होता है। अब इस्तेमाल किस तरह करेंगे वो अभी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। जैसे आप लोगों ने अरिथमेटिक मीन के अंदर पढ़ा था ना कि वहां पे आप डी का फॉर्मूला होता था कि डी बराबर था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और उससे आप सारी अरिथमेटिक मीन निकाल लिया करते थे, वो आपको 5 का बोले 10 का बोले जितने का भी बोले आप निकाल सकते हो। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन अगर आपने निकालनी हो ना आपको आर पता होना चाहिए, आर का ये फॉर्मूला है, जैसे आपको आर पता है आप सारी ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब किस तरह निकालनी है वो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, 4.6 का पहला क्वेश्चन ही है फाइंड द जीएम बिटवीन, इसका मतलब वो एक ही ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछ रहे हैं कि दो नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन निकालो, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन हमेशा दो आती है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों निकालोगे आप। डिफरेंट सवाल लिखे हुए बच्चों, आप उनकी मर्जी कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर लो, मैं फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 3 करवा देता हूँ, आयोटा वाला इतना मुश्किल होता नहीं है, वो दिखने में लगता है आयोटा वाला मुश्किल है, हो जाएगा आप लोगों से आसानी से। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर हम 3 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 8√2 और 9√2 आपको बोला हुआ है कि इन दो नंबर्स की आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, तो पुट कर दो, ए है यहाँ पे 8√2 मल्टीप्लाई बी है यहाँ पे 9√2, 8 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 72, और √2 को √2 से करोगे तो सिंपल 2 हो जाएगा, 72 को 2 से करो तो 144 होता है, और 144 का रूट लोगे तो 12 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे दो ज्योमेट्रिक मीन है, एक है पॉजिटिव 12 एक है माइनस 12, तो अगर आप इन दो नंबर्स के दरमियान 12 पुट करोगे तब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही होगी, या अगर आप इन दो नंबर्स के दरमियान माइनस 12 पुट करोगे तब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही होगी, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका प्रोसेस बिल्कुल सही किया। इसी तरह बाकी भी आप देख लेना, आयोटा से डील करना आप लोगों ने चैप्टर 1 किया है तो अब तो मसला नहीं होना चाहिए, कर लोगे इंशाल्लाह आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं सबसे पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप देखो 4 पार्ट है, लेकिन मेनली या तो आपको इवन नंबर इंसर्ट करना है, मतलब 2 इंसर्ट कर लो 4 इंसर्ट कर लो, उनको सॉल्व करने का तरीका एक होता है, या ऑड नंबर्स आपने इंसर्ट करना है कि 3 इंसर्ट करनी है 5 इंसर्ट करनी है, तो दोनों के मैं सवाल आप लोगों को करवा दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 1 पे आते हैं, 2 का देख लेते हैं कि दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे। 2 का पार्ट 1 आपको बोला हुआ है कि दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करो बिटवीन 3 एंड 81, ये सवाल दिया है।
सॉल्यूशन इसका क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे ए और बी पता होना चाहिए। जो पहला नंबर है वो कहलाता है ए, जो दूसरा नंबर है वो कहलाता है बी, और एन यहाँ पे क्या होगा, एन होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, कितनी आपको इंसर्ट करनी है। तो उन्होंने दो का बोला है, इसका मतलब आपको दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद जो आपके पास जीपी बनेगी वो ये होगी, ए जी वन जी टू बी, ये आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही होगी। जब आप दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे दो नंबर्स के दरमियान, चाहो तो आप ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हो 3 और 81। जब आप दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करोगे तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बननी चाहिए, अगर नहीं बन रही इसका मतलब मिस्टेक की है आपने। तो चीज को ध्यान रखना, क्या करना है, सबसे पहले आपको आर निकालना है। आर से आपके पास हर चीज आ जाएगी। आर का फॉर्मूला है बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे, बी क्या है यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय ए है 3, वन अपॉन एन क्या है 2, तो ये 2+1 हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 81 अपॉन 3 क्या होता है 27 के बराबर, 27 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 27 का क्यूब रूट। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, कैलकुलेटर से निकालना 3 के बराबर होता है, मतलब 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 के बराबर होगा। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ गई। जैसे आपके पास r 3 आ जाएगा, एक सेकेंड, जैसे r आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ पे, अब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना बहुत इजी काम है। कैसे निकालोगे, सबसे पहली ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। जैसे आपने अरिथमेटिक में कॉन्सेप्ट लगाया था वही कॉन्सेप्ट है कि जो पहली ज्योमेट्रिक मीन है वो हकीकत में दूसरी टर्म होगी इस जीपी की, ये दूसरी टर्म है। तो दूसरी टर्म कैसे आती है कि पहली वाली टर्म को आप आर से मल्टीप्लाई करते हो, तो पहली वाली टर्म क्या है जिसको हम ए बोलते हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है आर से। ए यहाँ पे 3 है और आर भी यहाँ पे 3 है, तो पहली ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 9 के बराबर आती है। दूसरी ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगी कि पहली ज्योमेट्रिक मीन को आप आर से मल्टीप्लाई कर दो, पहली ज्योमेट्रिक मीन 9 है और आर यहाँ पे 3 है, तो दूसरी ज्योमेट्रिक मीन 27 आ जाएगी। तो आपके पास दोनों ज्योमेट्रिक मीन आ गए, हेंस जो आपकी जीपी बन रही होगी वो होगी 3, 9, 27, 81। तो दो ज्योमेट्रिक मीन भी आपने इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट करने के बाद ऑब्जर्व करो जीपी बन रही है, कॉमन रेशो यहाँ पे 3 है, सब टर्म्स के दरमियान। सवाल आपका कंप्लीट। इवन नंबर्स में असल में फर्क क्या है, जब इवन नंबर्स आप सॉल्व करते हो ना तो यहाँ पे ना आर की एक वैल्यू आती है, जब आपको दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी हो, 4 इंसर्ट करनी हो, 6 इंसर्ट करनी हो, तो R की वैल्यू एक ही आती है यहाँ पे। लेकिन अगर आपको 3 इंसर्ट करनी है, 5 इंसर्ट करनी है, 7 इंसर्ट करनी है, तो R की दो वैल्यूज आती है। तभी मैंने कहा था दो अलग अलग मेथड है। तो एक मेथड आपने देख लिया, अब जरा दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड फॉर एग्जाम्पल हम पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है कि आपको इंसर्ट करनी है 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 1024। तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, बी यहाँ पे हो जाएगा 1024, और एन यहाँ पे हो जाएगा 5। आपको 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है। जीपी आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, 16, G1, G2, G3, G4, G5। 5 इंसर्ट करने के बाद आखिरी टर्म क्या होगी यहाँ पे 1024, ये जो है यहाँ पे बन रही होगी एक जीपी। अगर जीपी बन रही हो इसका मतलब आपने सवाल सही किया बिल्कुल। जरा मेथड क्या है, आपको आर पता होना चाहिए। आर निकाल लेते हैं। आर का फॉर्मूला है बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन। जरा वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। बी यहां पे क्या है 1024, ए यहां पे क्या है 16, अपॉन एन यहां पे क्या है 5+1। 5+1 क्या होता है 6 के बराबर। क्या होता है भैया 1024 हो जाएगा 64, उसका आंसर हो जाएगा +-64 की पावर 1/6। ये मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, देखो प्लस माइनस लगाने की एक वजह है, उसकी वजह है कि जब आप इसको सॉल्व, ये डायरेक्ट मैं फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ये फॉर्मूला आया कहां से, ये जो फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला आएगा कहां से। इस फॉर्मूले को निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको पता है 1024 आखिरी टर्म है ना इसकी, इसको भी जरा देख लो, यही कौन सा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी आया था यहाँ पे, समझ लोगे तो अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले के भी रीजन आपको समझ आ जाएगी कि वो डी का फॉर्मूला कहाँ से आया।
कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल ये, अगर मैं आप लोगों से बोलूं ये कितने नंबर ऑफ क्रम है, तो ये सात नंबर ऑफ क्रम है, पांच ज्योमेट्रिक मीन पहली और आखिरी, टोटल सात क्रम है यहाँ पे। तो ये जो 1024 है ना, ये बेसिकली सातवीं क्रम है। सातवीं क्रम को आप क्या लिखोगे, ए एस एन लिखोगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, ए आर एन माइनस वन, यही होता था ना। तो यहाँ पे आपको क्या पता है, सबसे पहले ए आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या है 16 के बराबर, एन आपको पता है एन क्या है यहाँ पे 7, सातवीं टर्म में एन क्या होगा 7 होगा। अब देखो फर्क है दोनों चीजों में, ये वाला जो एन है ये जो अलग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कितनी ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी है, ये एन वो चीज है। जबकि इस वाले में एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रम्स, तो टोटल सात नंबर ऑफ क्रम्स है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एन का कहां पे क्या मतलब ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। ये सिचुएशन बन जाएगी, ये हो जाएगा 16 को डिवाइड करवा देते हैं, यहां पे हो जाएगा आर की पावर 6, 1024 डिवाइड टू 16 64, ये सिचुएशन आपके पास आती है। और अब इस असूल को याद रखो, आपने हमेशा पढ़ा हुआ था कि जब स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर होता है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होता था, कोई भी इवन रूट लो, आप स्क्वायर रूट लो, फोर्थ रूट लो, सिक्स्थ रूट लो, सब में प्लस माइनस आते हैं। मतलब स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर लेना, या 1/2 पावर लो, या 1/4 पावर लो, या 1/6 लो, हम उन सब केसेस में प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि उसकी वजह होती है ना कि अगर आप इस यहाँ पे पावर अगर इवन हो, फॉर एग्जाम्पल पावर स्क्वायर हो या पावर फोर हो या पावर सिक्स हो, सब केसेस में अगर आप पॉजिटिव नंबर पुट करो या नेगेटिव पुट करो, आंसर सेम ही आता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है प्लस टू, अब प्लस टू का स्क्वायर करो तब भी फोर आएगा, माइनस टू का स्क्वायर करो तब भी फोर आएगा, सेम प्लस टू की पावर फोर करो तब भी 16 आएगा, माइनस टू की पावर फोर करो तब भी 16 आएगा। तो जो भी इवन रूट होते हैं ना, वहां पे आप प्लस माइनस लगाते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना और इवन रूट लोगे, तो होगा क्या, यहाँ पे आर बच जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगाओगे और ये हो जाएगा 64 की पावर 1/6। तो ये वो प्लस माइनस है जो मैंने यहाँ पे लगाया था, ठीक है। आमतौर पर यहाँ पे एक मिस्टेक करवाते हैं टीचर्स, वो मिस्टेक क्या होती है, वो सवाल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये समझ लो कॉन्सेप्ट की खराबी है, वो इसलिए मसला होता है। वो क्या करवाते हैं, वो प्लस माइनस ही लगवाते हैं यहाँ पे, वो इसको इस तरह रखते हैं आर इज इक्वल टू 64 की पावर 1/6। उसके बाद क्या करते हैं, 64 को इस तरह लिखते हैं प्लस माइनस टू की पावर 6, इस तरह लिखते हैं 64 को आप लिख सकते हो ना प्लस माइनस टू की पावर 6, एक की बात है, प्लस टू की पावर 6 में 64, माइनस टू की पावर भी 64, वो इस 6 को 6 से कैंसिल कर देते हैं, आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाती है, और हमारे केस में भी आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट की खराबी है, ये कॉन्सेप्ट की खराबी इसलिए है, ये वही असल कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आप लोगों को पहले दिया था कि भाई रूट 64 का आंसर प्लस माइनस 2 है, इस चीज के मुताबिक। मैं एक एग्जांपल देगा, मतलब यहाँ पे रूट 64 नहीं है, यहाँ पे रूट भी 1/6 है ना, तो इसको इस तरह कर लो कि 1/6 का मतलब होता है 6th रूट। तो जो इसको इस तरह करवाएंगे ना, इसका मतलब वो ले रहे हैं कि इसका आंसर प्लस माइनस 2 होगा, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये मैंने स्क्वायर रूट के अंदर भी कॉन्सेप्ट दिया था कि रूट 4 का आंसर 2 ही होगा, माइनस 2 नहीं होगा, तो फिर बात की और निकल जाएगी। इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये वाला सॉल्यूशन आपके जहन में आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट की खराबी है, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, मे बी कोई आपका आंसर गलत ना करे, लेकिन कॉन्सेप्ट खराब होंगे इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई आप अपनी तरफ से प्लस माइनस लगाओ। क्यों अपनी तरफ से लगाया, क्योंकि जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ना, ये डिराइव इस सिचुएशन को जहन में रखे हुआ था कि जहां पे आपके पास आर की पावर ये आ रही थी, आर की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी अपॉन, ये सिचुएशन थी। आपने क्या किया, आपने दोनों तरफ 1/(n+1) लिया, यहां पे भी आपने 1/(n+) लिया और यहां पे भी आपने 1/(n+1) लिया। तो अगर ये एन प्लस वन इवन है तो आप यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे खुद अपनी तरफ से प्लस माइनस लगा दिया था, क्योंकि एन प्लस वन यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 इवन है, दैट्स व्हाई मैंने प्लस माइनस लगाया था, ये वजह है। और ये बुक ने भी लगाया है प्लस माइनस, लेकिन ये जो पार्ट 4 का अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर उन्होंने पॉजिटिव के मुताबिक ही किया है। अब ये मिस्टेक्स है, मैं क्या बोलूं, एग्जाम्पल में उन्होंने दोनों आंसर लिए, मतलब आर की पॉजिटिव वैल्यू भी ली हुई है, आर की नेगेटिव भी ली हुई है, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का आंसर देखोगे तो आंसर में पॉजिटिव के मुताबिक उन्होंने आंसर लिखा हुआ है, नेगेटिव के मुताबिक आंसर लिखे नहीं उन्होंने। तो ये थोड़ा देख लेना, बुक ने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की हैं इसके। तो ये पूरा बच्चों कॉन्सेप्ट है 64 की पावर 1/6। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो करेक्ट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, कि 64 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 6, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2। तो कहने का मतलब आर की एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव 2 आ रही है और आर की एक वैल्यू नेगेटिव 2 आ रही है। अगर आर की दो वैल्यूज आ रही है तो इसका मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन आप निकालोगे वो भी 2 आ रही है। और कैसे निकालोगे उस तरह कॉन्सेप्ट पे आप,
सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, व्हेन आर इज इक्वल टू टू इस पे आप ज्योमेट्रिक मीन निकालो। पहले ज्योमेट्रिक मीन कैसे आती है, फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, पहली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो आर से। पहली टर्म यहाँ पे 16 है, 16 को आर से मल्टीप्लाई किया 32, पहली ज्योमेट्रिक मीन। दूसरी कैसे आती है कि पहली जो ज्योमेट्रिक मीन आई है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 मल्टीप्लाई 2 64। तीसरी कैसे आएगी, जो दूसरी ज्योमेट्रिक मीन आई है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 128। फिर चौथी निकालना है, यहाँ पे 256 आएगी। पांचवी निकालना है, यहाँ पे 512 आ जाएगी। तो पांच ज्योमेट्रिक मीन आ जाएंगी। जीपी कैसे बनेगी, जीपी बनेगी 16 और ज्योमेट्रिक मीन को ब्लू से लिख देते हैं, 32 64 128 256 512 और एंड पे आखिरी टर्म थी 102। तो हेंस जो आपके पास जीपी बन रही है वो ये पूरी जीपी बन रही है। अगर आप देखो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वाकई जीपी बन रही है, इसमें कॉमन रेशियो 2 है, वेरीफाई कर सकते हो। एक आंसर इसका ये है जो बुक में भी आपको नजर आएगा। दूसरा आंसर जो बुक वालों ने नहीं लिखा हुआ वो ये है कि जब आप आर की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो उस पर आपको ये वाले आंसर मिलेंगे। जब आर की आप वैल्यू -2 लोगे तो आप ज्योमेट्रिक मीन क्या आएंगी, फॉर्मूला वही होगा, ए को मल्टीप्लाई करो आर से। अब ए आर जो है वो यहाँ पे -2 है, तो अब ये -32 आएगी। दूसरी ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला वही है, -32 को मल्टीप्लाई करो -2 से तो ये +64। तीसरी का फॉर्मूला भी यही रहेगा, तो इसको सॉल्व करते जाना, इसका आंसर आएगा -128। चौथी का आंसर आएगा 256। पांचवी का आंसर आएगा -512। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चला रहा। तो अब जब आप इंसर्ट करोगे, अब आपके पास जीपी ये बनेगी है, और दोनों आपने आंसर लिखने पेपर में, ये पहली टर्म 16 है। अच्छा जीपी क्या है यहाँ पे, -32 सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, फिर है 64, फिर है -128, फिर है 256, 512 सॉरी -512 और एंड पे होगा 1024। तो अगर आप देखो ये भी आपको आंसर है, ये भी आपका पूरा आंसर होगा, आपने पांच ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, और ये भी आपका पूरा आंसर है, आपने पांच ज्योमेट्रिक मीन जो इंसर्ट किए। तो दो आंसर है, दोनों आपने लिखने बुक की एग्जाम्पल में, दोनों आंसर डिस्कस है, लेकिन इसके सवाल में नहीं लिखे हुए, तो ये उनका मसला है, आप उन्हें दोनों लिखने, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक और बात, ये जो इक्वेशन आती है ना, ये वाली इक्वेशन है, जो असल में ये वाली इक्वेशन थी R6 is equal to 64। आप लोग डायरेक्टली लिखते हो ना R is equal to 64 की पावर 1/6। तो इसके आंसर में प्लस माइनस लगा, तो दो वैल्यूज हमने निकाली थी 2 और -2। यहाँ पे असल में 6 वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन की जो डिग्री होती है, जो पावर होती है, उतने आंसर आते हैं। तो अगर इसकी पावर 6 है, उसका मतलब इसके 6 आंसर आने चाहिए, लेकिन हम तो जस्ट इसके दो आंसर निकाल रहे हैं 2 और -2। उसकी वजह ये कि हम कॉम्प्लेक्स में डील नहीं करते, इसके जो बाकी आंसर है ना वो कॉम्प्लेक्स आ रहे, कहीं इमेजिनरी होंगे कहीं कॉम्प्लेक्स होंगे, तो दैट्स व्हाई वो आप निकाल दे रहे, लेकिन वो भी मौजूद है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स निकालोगे और इंसर्ट करोगे तब भी ज्योमेट्रिक बन रही होगी, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर ये कोई शर्त नहीं है कि उसकी टर्म्स रियल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के सवालों में आप पॉजिटिव भी निकाल रहे होते हो, बुक ने यही डिस्कस किया है। अगर आप पंजाब बोर्ड की बुक देखो तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स भी निकाले हुए होते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं, कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं, वो सीक्वेंस भी बना रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो है ना उनको ही डिस्कस किया गया। तो उसके 6 आंसर है जिसमें से 2 रियल हैं जो उन्होंने डिस्कस किए हैं, 4 कॉम्प्लेक्स है उन्होंने डिस्कस नहीं किए, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। इसी तरह जो पुरानी इक्वेशन आपने पढ़ी थी पार्ट नंबर 1 के अंदर, ये इक्वेशन थी, इसका आपने एक आंसर निकाला था कि 27 का क्यूब रूट 3 है, इसके 2 आंसर और भी होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स होंगे, तो अगेन कॉम्प्लेक्स उन्होंने डिस्कस नहीं किए, रियल वाले जो है वो डिस्कस किए हैं, तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आप लोग सीख लोगे, तो 3 में कोई ऐसी नई चीज नहीं है, 6 और 7 में हमने यही काम करना है, तो 3 को स्किप करते हैं, 4 पे आ जाओ। एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को बोला था कि अरिथमेटिक मीन में आपने सवाल देखा था, ज्योमेट्रिक मीन में भी देखोगे, तो वही सवाल आ गया। आपको क्या बोला हुआ है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन की जो पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है, जो ज्योमेट्रिक मीन बन जाए ए एंड बी की, मतलब कंडीशन क्या गिवन है आपको, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन आपको गिवन है कि जो पूरी वैल्यू है ए एन माइनस टू प्लस बी की पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय ए एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर एन माइनस थ्री, ये ज्योमेट्रिक मीन बन जाए ए और बी की। ए और बी की ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, मतलब दो नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ए बी, अगेन पॉजिटिव वाली आप यहाँ पे ले रहे हो, मैंने वही बात बोली थी कि अगर नहीं गिवन तो पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो। तो दो ए और बी के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी,
तो वो आपको कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि बताओ ऐसी एन की मैं क्या वैल्यू यहां पे पुट करूं कि ये पूरी चीज जो है ये बन जाए इस फॉर्मूले के मुताबिक। एंड पे आप एन की वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो, वेरीफाई हो भी रहा, आपको बस ऐसा एन निकालना है जिसपे पूरी चीज जो है ये बराबर हो जाए किसके, रूट ए बी के बराबर हो जाए। और रूट ए बी क्या है, ए और बी की ज्योमेट्रिक मीन, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको गिवन है। तो निकालना क्या आपको यहाँ पे, एन निकालना है। अब जरा कैसे निकालेंगे उस पर, आप निकालने का तरीका इसका ये होगा, सबसे पहले तो आप इसको क्या करो, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दो जरा। सबसे पहले रूट ए बी है ना, मतलब पावर, रूट की पावर क्या होती है, रूट की पावर 1/2 होती है, तो वो पावर ए के ऊपर भी है और पावर बी के ऊपर भी है। अलजेब्रा का रूल होता है ना कि अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों की सेम ही पावर है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके होल पावर लगा दो। मतलब अभी ये कॉन्सेप्ट था, अभी दोनों के ऊपर पावर 1/2 थी, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए। ये करने के बाद आप क्या करोगे, पूरी चीज जो है ये मल्टीप्लाई करवा दोगे यहाँ पे, तो न्यूमरेटर तो आपका अपनी जगह पे रहेगा। आपकी सारी कोशिश है किसी तरह एन की वैल्यू निकालना, ये आपका मकसद है। इनको आपने मल्टीप्लाई करना है दो टर्म से, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं पहले लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे। अब नेक्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2 को आप पहली टर्म से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखो बी तो अपनी जगह पे रहेगा, ये दोनों ए की टर्म्स हैं, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम है, पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है n-3। जब इन पावर्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, इसको ऐड करो सिंपल हो जाएगा 1 + 2n-6/2। सॉल्व करो सिंपल, ये हो जाएगा 2n-5/2, जिसको चलो हम इस तरह कर लेते हैं, काम करते हैं, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएंगी। ये जो पावर है ना 1/2 और n-3, इन दोनों को ऐड इस तरीके से करो कि n को आप अपनी जगह पे रहने दो, n को ना छेड़ो, n अपनी जगह पे है, आप 1/2 और -3 इनको सॉल्व कर लो आपस में। आप ओवरऑल पूरा ऐड ना करो क्योंकि कैलकुलेशन में मसला होगा, आप 1/2 और -3 जो है ना इसको बस सॉल्व कर लो। ये किस तरह होगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो, -5 सॉरी -6, -6 + 1, ये हो जाएगा -5/2। तो सिंपल ए की पावर हो जाएगी n-5/2, जब 1/2 को ऐड करोगे n-3 में तो ये हो जाएगा। और जो बी है उसकी टर्म तो एज इज अपनी जगह पे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे दूसरी टर्म से। अब देखो ए जो है वो तो अपनी जगह पे रहेगी, ए में फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बी की पावर है 1/2, यहाँ पे n-3, वही काम करोगे, बेसिस सेम, पावर्स ऐड करोगे तो n-5/2 आ जाएगा। तो ये दो टर्म यहाँ पे आ गई और दो टर्म जो है वो यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारी कोशिश होती है कॉमन लेने की। अगर आप अरिथमेटिक के अंदर भी सवाल देखते हैं वहां भी हमने कॉमन लिया। अब कॉमन किस तरह लोगे, आपको सेम करना पड़ेगा यहाँ पे। अब सेम कैसे करोगे, ये जो n-2 है ना, सबसे पहली बात इस वाले टर्म को आप इधर ले आओ और ये b वाले टर्म को उधर ले जाओ। एक काम तो हमें ये करना है, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगी इधर आके। अच्छा ये वाले टर्म अपनी जगह पे मौजूद है, इस वाले टर्म को इधर ले आओ तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। अब आप भी क्या करते हैं, किसी तरह n-2 को इस तरह लिखो कि ये n-5/2 बन जाए, फिर आप कॉमन ले लोगे आसानी से। अब n-2 को n-5/2 की फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो सिंपल n-2 है ना, इसको आप इस तरह लिखो, मतलब -2 की जगह पे आप ये काम करो, -2 की जगह पे। अब देखो -5/2 जो है ना ये -2.5 होता है, तो -2 को आप इस तरह लिखो, -2.5 + 0.5, एक ही बात है, ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा। अब फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं, 2.5 को लिख सकते हो 5/2 और 0.5 को लिख सकते हो 1/2। उसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना a की पावर n-2, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, a की पावर n-5/2 + 1/2। तो हाँ, बस मसला आपका हल हो गया। आपने इस फॉर्म में लिखने की वजह ये थी कि किसी तरह कॉमन आ जाए, तो आप देखो इन दोनों टर्म में a की पावर n-5/2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहां से बचेगा a की पावर 1/2, और जब यहां से कॉमन लोगे यहां पे बचेगा -b की पावर 1/2 इज इक्वल टू, यहां पे देखो b की पावर n-5/2 कॉमन है तो ले लेते हैं कॉमन, तो यहां से बचेगा a की पावर 1/2
जब यहां से कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा माइनस बी की पावर फॉर्म, बस यही काम आप करना चाह रहे थे। तो बस ये करने का फायदा ये हुआ कि अभी कैंसिल हो जाएंगे, ये वन टाइम आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, जो बी है ना इसको बदल लिया, तो ए की पावर एन माइनस फाइव अपॉन टू, ये चीज इधर आके डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे तो बस वन बच गया। ये करने के बाद वही कॉन्सेप्ट लगाओ कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर मौजूद है तो आप कॉमन ले सकते हो, मतलब ए अपॉन बी की पावर एन माइनस फाइव अपॉन टू, और वन को आप किस तरह लिखो, वन को आप लिखो ए अपॉन बी की पावर जीरो, क्योंकि आपको बेसिस सेम करने, मैंने बहुत दफा बताया कि जब आपका जो वेरिएबल है वो पावर में मौजूद हो जिसको आपने मालूम करना है, तो दो ही तरीके, या तो आप लॉग लेते हो या आप बेसिस सेम करते हो। तो हमने बेसिस सेम कर लिए, फायदा ये होगा कि पावर्स को आप आपस में इक्वेट करवाओ, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू फाइव अपॉन। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो इस एन की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, पुट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करो, देखना एग्जैक्ट ए चीज आ रही होगी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये करके देख लेना ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। एन की जगह फाइव अपॉन टू पुट करना, देखना स्क्वायर रूट ए बी के बराबर हो जाएगी पूरी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से आप यहाँ पे एन की वैल्यू निकालते। तो सवाल अरिथमेटिक मीन के अंदर भी था, ये ज्योमेट्रिक मीन के अंदर भी है और ये हार्मोनिक मीन के अंदर भी आएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव को फिलहाल एक सेकंड रुको, सिक्स सेवन पे आ जाओ, बहुत इजी सवाल है, इनको पहले कर लेते हैं। सिक्स सेवन में लिखा हुआ है, दोनों में सेम ही किस्म की सिचुएशन है, हल्का फुल्का फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, दो पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल क्या होते हैं, वन टू थ्री को डेसिमल ना हो, टेन फिफ्टीन इस टाइप का, और पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक जो है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है किसके, देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय टू, मतलब जो उनका अरिथमेटिक मीन है ना वो ज्यादा है उसके ज्योमेट्रिक मीन से बाय टू यूनिट, मतलब दो यूनिट ज्यादा है, मतलब अगर ज्योमेट्रिक मीन फोर है तो अरिथमेटिक मीन सिक्स है, दो यूनिट ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्योमेट्रिक मीन टेन है तो अरिथमेटिक मीन ट्वेल्व है, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से दो यूनिट, ठीक है, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड देयर सम इज 20, कि वो जो दो नंबर्स जिनका जिक्र किया जा रहा है ना उन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 20 के बराबर है, ये दूसरी कंडीशन है। लिखा हुआ क्या, फाइंड द नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं कि उन्होंने गिवन क्या की है। पहली चीज क्या गिवन है आपको, मतलब पहली नहीं दूसरी है, लेकिन मैं इसको पहली बना के लिखता हूं कि दोनों नंबर्स का सम जो है वो 20 के बराबर है। यहां से आप निकाल लो फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यू जो कि बराबर हो जाएगी 20 माइनस ए के, इसको फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर वन में कह देता हूं, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या गिवन थी कि उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो एक्सीड कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन से बाय टू यूनिट, कैपिटल ए का मतलब अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से दो यूनिट ज्यादा है, मतलब प्लस टू, जो भी ज्योमेट्रिक मीन है उसके अंदर टू एड करो तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब जरा इनकी फॉर्मूले लिखते हैं, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए बी। अब देखो उन्होंने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात की है, आपको पहले ब्रैकेट में बता दिया कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो स्क्वायर रूट ए बी प्लस टू। अगर नहीं बताया होता ना तो मैंने पहले बताया कि अगर नहीं भी बताया तो मतलब आपने यही लेना है कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। जरा सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी आपको सवाल में गिवन है, ए प्लस बी किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो यहां पे ए प्लस बी की जगह आप 20 पुट कर दो, ये हो जाएगा 20 अपॉन टू 10 होता है, टू को इधर ले आओ, ठीक है, तो जो स्क्वायर रूट ए बी है ये बराबर हो जाएगा 8 के। आप यहां पे क्या करो, स्क्वायरिंग करो, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ए बी बराबर हो जाएगा 64 के, चाहो तो यहां पे लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, खैर ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा 64 के। अब जो आपने बी की वैल्यू निकाली थी ना इक्वेशन नंबर जो वन है वो पुट कर दो यहां पे, तो बी की जगह मैं पुट कर देता हूं 20 माइनस ए, सॉल्व करो हो जाएगा 20 ए, ए को माइनस ए से करो माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों टर्म को उठा के उधर ले जाओ। तो कहने का मतलब सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल वही जो इक्वेशन को सॉल्व करने वाला होता है वो होता है। अब आपने यहां पे मिनट में ब्रेक करनी है, 64 की क्या होगी, 16 4 था तो माइनस 16 ए माइनस 4 ए प्लस 64, तो यहां से ए कॉमन लो, यहां से माइनस 4 कॉमन ले लो, पहला फैक्टर आ जाएगा ए माइनस 16, दूसरा आ जाएगा ए माइनस 4, दोनों को इक्वल टू जीरो रखो, ए माइनस 16 भी जीरो के बराबर, ए माइनस 4 भी जीरो के बराबर,
यहां से ए की वैल्यू आएगी 16, यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 4। जैसे ए की वैल्यू आ जाए इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सबसे पहले आप ए की जगह पुट कर दो 16, तो बी की वैल्यू यहां पे 4 आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 में आप ए की जगह पे पुट कर दो 4, तो बी की वैल्यू 16 आ जाएगी। मतलब यहां पे हो ही रहा है कि देखो आपने यहां पे उन दो नंबर्स को मालूम करना है जो दो नंबर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहली वाली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये। तो अब वो दो नंबर्स जाहिर सी बात है जिस मेथड से आप निकाल रहे हो उस मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहां पे हकीकत में ए की वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, ए तो एक नंबर होना चाहिए था, ए और बी ये दो नंबर है ना, तो ए की तो एक वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन वो आपने सॉल्व इस तरीके से किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, दैट्स व्हाई ए की दो वैल्यूज आ रही है, इसी तरह बी की भी दो वैल्यूज आ रही है। लेकिन हकीकत में अगर आप नंबर्स देखो ना तो नंबर्स दो ही है, एक 4 मिल रहा है आपको और एक 16 मिल रहा है, दैट्स इट। 4 और 16 ये नंबर्स हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, आप चेक करके भी देख सकते हो। 4 और 16 का सम जो है वो 20 होता है, और आप 4 और 16 का अरिथमेटिक मीन निकालो, 4 और 16 का अरिथमेटिक मीन होता है 10, और 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो जो फॉर्मूला बताया वो होता है 8। तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 यूनिट ज्यादा है। So that's why numbers क्या है, hence numbers are 4 and 16, ये वो दो numbers हैं जो आपको मालूम करने से जो आपके पास आ गए, बहुत easy condition थी। इसी किस्म का सवाल है जो आपने खुद करना है, मैं आप लोगों को equation बना के दिखा देता हूँ, solve कर लेना, कोई मसला नहीं है। 7 और 3 में भी exact यही situation थी, जो 3 में वही 7 में, कि the arithmetic mean between two numbers is 5। अब आपको question number 7 में condition क्या given है कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या है, 5 है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करवा दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 10, यहां से b की वैल्यू निकाल लो, तो एक इक्वेशन तो आपको यहां से मिल गई। फिर दूसरी कंडीशन का इस्तेमाल करो, लिखा हुआ देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4, मतलब वही पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है, रूट ए बी, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो, ए बी हो जाएगा 16 के। उसके बाद आप लोग जानते हो क्या करना है, बी की वैल्यू जो इक्वेशन 1 में से वो यहां पे पुट कर देना, ए के दो आंसर आ रहे होंगे या एक आंसर भी आ सकता है, ए का वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की बनी हुई है। तो अगर दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है, जो भी है वो आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, वहां से आप बी का आंसर निकालोगे। तो आप ऑब्जर्व करोगे आपको हकीकत में दो ही नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है, ये इसी किस्म का सवाल बन रहा होगा, वो दो नंबर मिल रहे होंगे, चेक भी कर लेना क्या वो दो नंबर्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके देख लेना क्या उनका अरिथमेटिक मीन जो पूरा है और जो मैट्रिक मीन जो है वो देख लेना, इसका मतलब आपका आंसर ठीक होता है। पेपर में मे भी कुछ इस किस्म के सवाल आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की बने कि यहाँ पे ए के दो आंसर आए लेकिन उसमें से एक आंसर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, तो उस नेगेटिव या फ्रैक्शन वाले आंसर को कंसिडर नहीं करोगे आप। उसकी वजह कि सवाल में उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 6 में, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर। अगर पेपर में रिस्ट्रिक्शन लग जाए ना कि पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, इसका मतलब क्या कि वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो अगर नेगेटिव कोई वैल्यू आ रही हो उसको हटा देना, और इंटीग्रल का मतलब फ्रैक्शन नहीं आ सकती, तो अगर कोई फ्रैक्शन आ रही हो उसको भी हटा देना वहां से। तो इन सवालों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पेपर में अगर वैल्यू चेंज कर दी उन्होंने, जो कि होता नहीं है, अगर चेंज कर दी तो जरा आंखें खोल के देखना कि क्या जो सवाल में कंडीशन है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं नहीं। खैर 7 में तो ऐसी कोई कंडीशन में नहीं है, 7 में तो सिंपल लिखा होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, और वो अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक देख के आप खुद बता सकते हो कि दोनों पॉजिटिव ही होंगे नंबर्स, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। खैर सवाल का तरीका मैंने बता दिया, क्वेश्चन बनेंगे सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ना कंडीशन अब फिलहाल समझना काफी मुश्किल है, मैं आप लोगों को पहले इजी करके बता देता हूँ। ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन के अंदर भी, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को ना बोले आपको, वो आपको बस ये बोले कि जो 5 अरिथमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए ना उनका हमें सम बता दो। अब लंबा वाला तरीका क्या बताया था मैंने कि आप पहले 5 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करो, फिर उनको आपस में सम करो, फिर आपके पास सम आएगा, या उसका शॉर्ट तरीका ये फॉर्मूला बताया था, अगर 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो एन की जगह 6 पुट करो, किन दो नंबर्स के दरमियान इंसर्ट कर रहे हो ए और बी, डायरेक्ट आपके पास सम आ जाएगा, आपको वो 6 अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे उनका सम आ जाएगा।
सेम ज्योमेट्रिक का भी ये होता है, वहां पे सम का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ नंबर लिखे हुए हो 3 और 81, इनके दरमियान अगर आपको बोला जाए कि फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एक सेकंड आपके दोस्त इंसर्ट करता हूँ, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, फिर 12 होगा, फिर 24 होगा, फिर 48 होगा और फिर 96 होगा। तो 6, 12, 4, बिल्कुल अगर आपको बोला जाए क्या दो नंबर है 3 और 96, इनके दरमियान जो चार ज्योमेट्रिक मीन जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब 3 और 96 के दरमियान चार जो ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट करेंगे, तो उन चारों ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा, ये अगर आपको बोला जाए, और ये सवाल एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि चार ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट आपको निकालना है। अब लंबा वाला तरीका क्या है कि आप पूरी मेहनत करो, उन चार ज्योमेट्रिक मीन को मालूम करो पहले, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था। अब चार ज्योमेट्रिक मीन है, अगर 5 होती तो फिर 2 केसेस बनते, वहां पे सवाल और मुश्किल हो जाता। तो खैर लंबा तरीका तो पड़ेगा आपको कि आप चार ज्योमेट्रिक मीन पहले निकालोगे फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, ये लंबा वाला तरीका है। शॉर्ट वाला तरीका क्या है, शॉर्ट वाला तरीका ये है कि आप सिंपल इन दो ज्योमेट्रिक मीन का, मतलब इन दो नंबर्स का ना ज्योमेट्रिक मीन निकालो। 3 जैसे यहाँ पे दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाल देते ना, वही काम करना है। 3 और 96 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 3 × 96 और उनका स्क्वायर रूट। ये लेने के बाद आप पावर बना दो जितनी का प्रोडक्ट निकालना है, 4 का निकालना है 4 पावर बना दो, दैट्स इट। आपको कोई चार ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इन दो का ज्योमेट्रिक मीन निकालो और पावर बना दो जितनी ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालना है। आपने 4 का निकालना था तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी। तो आप देखोगे इसका आंसर क्या आ रहा है, वैसे बाय द √96 × 3 और इसका स्क्वायर कर दें तो आंसर आ रहा है 288। तो कितनी जल्दी आपके पास आंसर आ गया। अब लंबा वाला तरीका क्या था, क्या आप पहले ज्योमेट्रिक मीन निकालते, पहली बार ज्योमेट्रिक मीन 6 आती, फिर 12 आती, फिर 24 आती, फिर 48 आती, ये चार ज्योमेट्रिक मीन पहले आप निकालते पूरे मेथड से, फिर आप इन चारों को मल्टीप्लाई करते। किस तरीके से, 6 × 12 नहीं, मैंने स्क्वायर कर दिया, सॉरी, मैंने 288 को स्क्वायर किया था, एक सेकेंड, तभी मैं कह रहा था छोटा आंसर क्यों आ रहा है, पावर 4 करनी है ना, तो आंसर आ रहा है 82944। अभी जल्दी आ गया ना, लंबा वाला तरीका क्या कि आपने चारों ज्योमेट्रिक में निकाली, उनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पे भी आपको यही आंसर मिला 82944। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको जनरलाइज लैंग्वेज में हम किस तरह लिखते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया इसको जनरलाइज लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज लिखेंगे कैसे, G1 × G2 × G3 करते 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 GN तक, मतलब G1 से लेकर GN तक। अब N क्या हो सकते हैं, जितना सवाल में आपको बोला जाए कि 6 ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई करो तो N6 होगा, मतलब 1, 2, 3, 5, 6 इस तरह जाते जाओगे, अगर n 10 है तो आप 10 तक जाओगे। तो सब ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट होगा कि आप जिन दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो, मतलब a और b, उनकी ज्योमेट्रिक मीन निकालो और उसकी पावर ले लो n। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जो आपने एग्जैक्ट यही काम किया है यहाँ पे, कि आपको चार ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करनी थी तो पावर आपने 4 लिखी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितनी ज्योमेट्रिक मीन है, n ज्योमेट्रिक मीन है तो पावर आपने n ले ली, और किसकी पावर n ली थी, जिन दो नंबर्स के दरमियान ये एन ज्योमेट्रिक मीन है ना, वो कौन कौन से थे, ए और बी, ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन आपने ली थी। तो ये जनरल फॉर्मूला है जो इस तरीके से लिखा है, ये फॉर्मूला, इसको शॉर्ट ट्रिक कह के बताया जाता है ईकैट यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाते हुए। तो आप लोग अभी से देख लो, ये यूनिवर्सिटी के जब एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें एमसीक्यूज काफी काम का आते हैं, ठीक है। अब आज सवाल में वो आपसे बोल गया एग्जैक्ट ये चीज है, बस हल्का सा उसको चेंजिंग के लिए बोला है, शो दैट द nth रूट ऑफ, nth रूट को फिलहाल छोड़ दो, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, वही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, नंबर्स को चेंज किया भाई, यहां पे हम a और b के दरमियान निकालते थे ना, इन्होंने x एंड y बोला है, तो हल्का फुल्का चेंज करो, यहां पे a b की जगह आप x और y लिख दो, कौन सा फर्क है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y। अब जरा इस बात को समझो, ये फॉर्मूला आपने देखा था ना, इस फॉर्मूले में हल्की सी मैं चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, जो बुक वाले चार है, हालांकि नॉर्मली ये फॉर्मूला प्रूफ करने को बोला जाता है, लेकिन बुक ने इस वाले फॉर्मूले के बाद एक मजीद स्टेप आपको बोला है, वो क्या है कि अगर आप दोनों तरफ पावर ले लो 1/n, ठीक है, तो n से n यहां पे कैंसिल हो जाएगा,
तो लेफ्ट हैंड साइड आप राइट हैंड साइड आपकी क्या बनेगी, सिंपल ये बनेगी, ये बनेगी। अब इसको आप बोलोगे कैसे, इसको आप बोलोगे कि जो प्रोडक्ट है ना ज्योमेट्रिक मीन की, इसका मैंने nth रूट लिया है। ये nth रूट का मतलब क्या होता है, जो वर्ड लिखा हुआ है देखो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं जस्ट सॉल्यूशन करवा दूं, याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे कॉन्सेप्ट, सवाल में लिखा हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करके पूरा बता रहा है कि nth रूट का मतलब क्या होता है। nth रूट का मतलब होता है जो फ्रैक्शन में पावर लिखी हुई है, जैसे अगर पावर हो 1/2 इसको आप बोलते हो स्क्वायर रूट, अगर पावर होती है 1/3 आप इसको बोलते हो क्यूब रूट, पावर होती है 4 तो आप बोलते हो फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, तो वही है nth रूट जो है। nth रूट का मतलब 1/n इस तरह बनता है। तो यही चीज आपको बोली हुई है कि प्रूफ करो nth रूट किसका, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन का, वो किसके बराबर है, वो बराबर है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है ये पूरी चीज जो सवाल उन्होंने बोला है। दोबारा एक दफा बताता हूं फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या लिखा है, शो दैट द nth रूट किसका ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब ये जो n ज्योमेट्रिक मीन है ये किन नंबर्स के दरमियान थी, x और y के दरमियान थी, किसके बराबर है, इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y, ये चीज बराबर है किसके, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, जो के बराबर होती है रूट एक्स वाई। ये कंडीशन आपने सवाल में प्रूफ करनी है। अब जरा हम सारी मेहनत करेंगे टेस्ट कंडीशन हम किस तरीके से प्रूफ करें, ये पूरा कॉन्सेप्ट है सवाल का। अब आ जाओ आप स्टार्ट इस तरह करो, वी हैव टू प्रूव दैट, अगर आप सवाल को प्रॉपर ब्रेक डाउन कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो आपको पता चल गया कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, जो n ज्योमेट्रिक मीन है इसका प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट का nth रूट, nth रूट का मतलब 1/n, ये किसके बराबर होना चाहिए, x और y की ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होना चाहिए। अब अगेन वर्डिंग मिसिंग है यहाँ पे, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा इस सवाल में अगर आप नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन भी रखना चाहोगे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, ये बात मैं डिटेल में बताना नहीं चाह रहा लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जो नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन है ना उसके लिए फॉर्मूला भी सेम ही जाएगा, मतलब अगर डिफरेंट सिचुएशन बने ना, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है आपकी ये वाली 3 और 81 के अंदर आपने इंसर्ट किए, मतलब 3 और 81 के दरमियान आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं, जब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला वैलिड है इसके ऊपर, लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी फॉर्मूला वैलिड है। अगर आप देखो ये छोड़ दो रहे हैं हम, तो ये बहुत ही मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ, टाइम कितना है, टाइम इतना नहीं है, चलो सुन लो, अगर बोरियत लगे तो इग्नोर कर देना, अगर समझ आता तो सही है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला है हर सिचुएशन पे वैलिड है, वो सिचुएशन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन में देखो -27 और -3 का पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है 9, इसी तरह 81 और 9 का नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब कहीं आपने पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन रखा हुआ है कहीं नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन रखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला ही रहेगा, फॉर्मूले को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो नेगेटिव यूज कर रहे हो, आंसर आपका सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाता ये सवाल इस तरह नहीं है, सवाल इस तरह आता कि -3 और 81 के दरमियान जो आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए हैं उनका प्रोडक्ट निकालो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला क्या कहता है कि 81 और -3 इनको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, इसकी पावर बना दो जितनी आपने इंसर्ट किए हैं, 2 इंसर्ट किए ना तो पावर 2 बना दिए। आप देखना जो इस चीज का आंसर आ रहा है वो बराबर होगा कि आप अलग अलग अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालो और इनको मल्टीप्लाई करो, जो इनका आंसर होगा सेम इसी चीज का भी आंसर होगा, -3 है आप निकाल के देख लेना सेम ही आंसर होगा इसका, तो इसी तरह यहां पर भी सेम ही होगा। तो कहने का मतलब जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला वैलिड है हर सिचुएशन के ऊपर, चाहे आप किसी जीपी में देखो कि नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन भी है पॉजिटिव भी है या किसी में पॉजिटिव है, हर जगह ये फॉर्मूला वैलिड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरल लैंग्वेज में तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन ही नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन आप पॉजिटिव भी कंसीडर कर रहे होंगे। बहुत लंबी हो गई है, अगर शौक हो तो आप लोग मजीद चीजें सर्च कर सकते हो, मैं डिटेल में एक चीज नहीं समझा सकता, खैर ये पूरा फॉर्मूला है जिसको आपने प्रूफ करना है। अब आ जाओ कि आप प्रूफ कैसे करोगे, ये n ज्योमेट्रिक मीन है x और y की, तो लिखोगे कैसे, इस तरीके से x फिर g1 g2 g3 up to gn, y, ये पूरी जीपी है ना, क्योंकि आपने x और y के दरमियान ये सब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए थे तो पूरी जीपी बन रही है। इस जीपी का कॉमन रेशियो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था,
बी अपॉन ए, वन अपॉन एन प्लस वन, बी है यहां पे वाई, ए है यहां पे एक्स, वन अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास आ रहा है। अब वक्त आ गया ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। ज्योमेट्रिक मीन, पहली ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके बराबर होगी, ए आर के बराबर होगी। जो दूसरी ज्योमेट्रिक मीन है वो बराबर होगी जी वन आर के, मतलब पहली जो आई है उसको आर से मल्टीप्लाई करो। जो तीसरी होगी वो किसके बराबर होगी, जो दूसरी आई है उसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दो, और ये पैटर्न चलता जाएगा। ये पैटर्न कहां तक जाएगा, जो एनथ ज्योमेट्रिक मीन होगी। मैं देखो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर नहीं रहा क्योंकि आगे जाके पुट करनी है, तो फिलहाल पुट करने का कोई फायदा नहीं है। जो आखिरी बिल्कुल एनथ ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैसे आएगी, रहेगा तो आर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे जी थ्री में यहाँ पे जी टू आता था, जी टू में यहाँ पे जी वन आता था, मतलब जो यहाँ पे लिखी हुई है उससे एक कम ज्योमेट्रिक मीन होती थी। तो यहाँ पे अगर एनथ ज्योमेट्रिक में लिखी हुई है तो उससे एक कम क्या होगी, एन माइनस वन। तो जो इससे पहले वाली ज्योमेट्रिक मीन होगी उसको आर से मल्टीप्लाई करना तो एनथ ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी। तो ये जी वन जी टू जी थ्री अप टू जी एन के आपने फॉर्मुले निकाल लिए। चलो एक काम कर लो, पहले हम यहाँ पे निकाल देते हैं, वरना वहां पे ना आपको सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, वहां पे शायद आप लोगों को मसला हो सिंप्लीफाई करने में, वरना मैं डायरेक्ट लिख सकता था टू की पावर एन प्लस वन, लेकिन वो शायद आप लोगों को मसला कर देगा, वरना डायरेक्ट इसका आंसर ये था। लेकिन ये कैसे आया अब आपको समझने में थोड़ा मसला होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम यहीं पे ना निकाल देते हैं ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। तो ए यहाँ पे एक्स था, आर यहाँ पे था वाई अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, दूसरी ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगी, जो पहली आई है ये पूरी पहली ज्योमेट्रिक मीन है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है आर से, तो आर क्या है वाई अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, ये पूरा आर है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन, ये एक्स जो है अपनी जगह पे रहेगा, वाई अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एन प्लस वन, वाई अपॉन एक्स की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। अगर आप देखो बेसिस सेम है, पावर को एड कर दो, वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा टू अपॉन एन प्लस वन, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर वही कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी ज्योमेट्रिक मीन आई होगी ये वाली, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोबारा आर से, तो सॉल्व करके देख लेना आंसर आएगा एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स की पावर थ्री अपॉन एन प्लस वन, ये पूरा पैटर्न चल रहा होगा। तो जो बिल्कुल आखिरी वाली होगी उसमें क्या होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो सब टर्म ज्योमेट्रिक मीन के साथ एक्स आ रहा है, तो जो आखिरी है उसके साथ भी एक्स आ रहा होगा, सब में वाई अपॉन एक्स है, इसमें वाई अपॉन एक्स होगा। पहली ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ पे वन आ रहा है, दूसरी ज्योमेट्रिक मीन में यहाँ पे टू आ रहा है, तीसरी में यहाँ पे थ्री आ रहा है, तो जो एनथ होगी उसमें यहाँ पे क्या आ रहा होगा, एन आ रहा होगा, और बाकी सब में नीचे एन प्लस वन आ रहा है, तो यहाँ पे भी एन प्लस वन आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपने ना सबके फॉर्मूले निकाल दिए। अब वहां पे जाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैं नीचे इक्वल बन देता हूँ, जगह नहीं है, आप लोगों ने पेपर पे सामने सामने ही करना है, जगह होगी आप लोगों के पास। अब जरा इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहली टर्म है ये वाली, ये पहली ज्योमेट्रिक मीन है, मल्टीप्लाई, दूसरी है एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स की पावर टू अपॉन एन प्लस वन, तीसरी है एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स की पावर थ्री अपॉन एन प्लस वन, और चौथी क्या है, सॉरी एंड वाली क्या है, एक्स y upon x की पावर n upon n plus 1, ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो x x x करते करते हर टर्म में x आ रहा है, टोटल n टर्म्स है, तो अगर आप x को n दफा मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल x की पावर n हो जाएगी। ये वही बात है, अगर x को दो दफा मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, x को दस दफा मल्टीप्लाई करो तो x की पावर 10, तो अगर आप x को n दफा मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n हो जाएगी। सब टर्म में y अपॉन x कॉमन आ रहा है, तो बेसिस सेम है, पावर एड हो जाएंगी, इसकी पावर है 1 अपॉन n प्लस 1, इसकी पावर है 2 अपॉन n प्लस 1, इसी तरह 3 अपॉन n प्लस 1, और ये चलती जाएगी अप टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब मजीद सॉल्व करते हैं, अगर आप देखो डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसका मतलब डिनोमिनेटर कॉमन आ गया, न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दो, 1, 2, 3 अप टू कहां तक ऐड करना है, एन तक ऐड करना है। अगर आप देखो जो ऊपर है ना, ये सिंपल एक अरिथमेटिक है, 1, 2, 3 सिंपल एक अरिथमेटिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज को सम करने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो रफ में ही शो करके दिखा देना, फिर बना लिखो बना स्टेप्स काफी लग जाएंगे आपके, रफ में शो करके दिखा दो, ये फॉर्मूला था एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, अरिथमेटिक सीरीज के सम मालूम करने का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स ही है, तो एन की जगह एन ही रहने दो। पहली टर्म यहाँ पे वन है, तो ए की जगह वन पुट करो, टू आंसर आएगा,
और कॉमन डिफरेंस भी यहां पे वन है, तो डी की जगह वन पुट करो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन वन के बराबर होता है। तो सिंपल आंसर आ रहा है एम मल्टीप्लाई एन प्लस वन अपॉन। तो यही काम मैं यहां पे करने लगा हूं, रफ वर्क में उनको स्टेप दिखा देना। डिनोमिनेटर का जो एन प्लस वन है ना वो अपनी जगह पे, ये जो न्यूमिनेटर है ना ये पूरी चीज किसके बराबर है, ये पूरी चीज के बराबर है। तो ये मैं साइड लिख रहा हूं, तो ये पूरा न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर का एन प्लस वन ऑलरेडी मैंने साइड लिख दिया। तो होगा ये कि ये वाला एन प्लस वन और ये वाला एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आंसर आ गया एक्स की पावर एन वाई अपॉन एक्स की पावर सिंपल एन अपॉन टू बन जाएगा। यहां तक कैलकुलेशन आप लोगों को समझ आ देनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा, देखो y के ऊपर भी n अपॉन टू है, x के ऊपर भी n अपॉन टू है, नीचे x के ऊपर n अपॉन टू है और ऊपर x के ऊपर n है। तो जब नीचे वाले x को ऊपर लेकर आओगे तो उसकी पावर नेगेटिव होती है, मतलब ऊपर मौजूद है x की पावर n, नीचे है x की पावर n अपॉन टू। जब आप पावर ओपन करोगे ऊपर लेके आओगे तो पावर माइनस n अपॉन टू हो जाएगी, n और माइनस n अपॉन टू को एड करो रिजल्ट में n अपॉन टू आएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में x की पावर n और x की पावर n अपॉन टू को जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x की पावर n अपॉन टू, सिंप्लीफिकेशन कर लेना, और ये हो जाएगा y की पावर n अपॉन टू। एक साथ भी आप लिख सकते हो x y की पावर n अपॉन टू। बस एक दो तीन और स्टेप करने आपका सवाल पूरा हो जाएगा, यहां तक आप पहुंच गए हो x y की पावर n अपॉन टू तक। बस हल्का सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दो स्टेप में आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सवाल की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। तो लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन ना, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ये किसके बराबर है, एक्स वाई की पावर एन अपॉन टू। एक्स वाई की पावर एन अपॉन टू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट एक्स वाई की पावर एन। एक ही बात है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू को एन से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा एन अपॉन टू आ जाएगा। एक ही बात लिख सकता हूं मैं इस तरह, और ये लिखने के बाद दोनों तरफ मैं पावर वन अपॉन एन ले लेता हूँ। ये वही फॉर्मूला जो मैंने अभी प्रूव करवाया था कि प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इसके बराबर है, ये वही फॉर्मूला प्रूव है। लेकिन सवाल में इसको मजीद सिंप्लीफाई करना था, वो ये था कि इस तरफ पावर आपने वन अपॉन एन लेनी है, तो ले लेते हैं पावर एन। तो यहां पे आप पावर वन अपॉन एन लो, यहां पे जब पावर वन अपॉन एन लोगे तो एन से एन कैंसिल, जस्ट बच जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर रूट। और ये चीज आपको सवाल में प्रूफ करनी थी, सवाल आपका प्रूफ।